और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे भोपाल से मिल रही खबर, जहां पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान सामने आया है। तो उमाशंकर गुप्ता ने प्रशासन को चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए पूर्व गृह मंत्री का कहना है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं भेज दूंगा। विधायक कांग्रेस का है लेकिन सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के लोगों का धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम ना करे। तो पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का यह बयान सामने आया है, प्रशासन को चेतावनी दी है और कहा है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं भेज दूंगा। साथ ही कहा है कि विधायक कांग्रेस का है लेकिन सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के लोगों का धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम ना करे। ये बयान दिया है पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने और प्रशासन को चेतावनी दी है। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का यह बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है और कहा है कि बीजेपी के लोगों का धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं भेज दूंगा, प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम ना करे, बीजेपी के लोगों का धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी महसूस कर रहा हूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरने पर बैठा है, यहाँ के प्रशासन को चुनर भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको समझ में आ जाना चाहिए कि विधायक भले कांग्रेस का हो, सरकार बीजेपी की है और अगर वो कांग्रेस के विधायकों के दबाव में काम करेंगे तो उनको वहीं भेज दिया जाएगा जो कांग्रेस की सरकार है। शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो पूर्व गृह मंत्री है उमाशंकर गुप्ता, जिन्होंने ये बयान देते हुए चेतावनी दी है प्रशासन को और कहा है कि विधायक कांग्रेस का है लेकिन सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के लोगों का धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने इन तस्वीरों के जरिए सुना होगा कि क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है और साथ ही उनका कहना है कि प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम ना करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, पूर्व गृह मंत्री हैं उमाशंकर गुप्ता, जिन्होंने एक बयान देते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है और कांग्रेस बीजेपी का कुछ जिक्र किया है, कहा है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं भेज दूंगा, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिये ऋतु, पूर्व गृह मंत्री है उमाशंकर गुप्ता मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री का दायित्व चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कमिश्नर सिस्टम इसलिए लागू किया गया था ताकि गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई हो सके, ना कि गुंडे बदमाशों को संरक्षण मिल सके। वो अपने क्षेत्र के जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से चुनाव हारे हैं, उसी क्षेत्र के एक मोहल्ले में उनका भी प्रदर्शन था जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके इशारे पर प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लोगों ने पर कार्रवाई नहीं हो रही, गुंडे बदमाशी करवा रहे हैं वहां पे वो, लेकिन भाजपा के लोगों पर अत्याचार हो रहा है भाजपा की सरकार होने पर। तो उन्होंने प्रशासन के नेताओं को, अफसरों को और खासकर पुलिस महकमे के अफसरों को चेतावनी दी है कि भाजपा की सरकार है, यदि भाजपा के अनुसार काम नहीं होगा, भाजपा के लोग प्रताड़ित होंगे तो आपको वहीं भेज दिया जाएगा जहां कांग्रेस की सरकार हो। तो उनका गुस्सा कांग्रेस विधायक पर है, जो प्रशासन पर भड़के हैं वो उसकी वजह है कि उन्होंने वो कार्रवाई नहीं की जैसी उमाशंकर गुप्ता चाहते थे, इस कारण ये धरना दिया गया था। और उन्होंने कहा बिजली विभाग भी देखे कि कहाँ चोरी की बिजली जल रही है, कहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, इस कारण जो नाराजगी थी वो एक क्षेत्र में उन्होंने प्रदर्शन हुआ जहाँ भाजपा के पूर्व पार्षद और अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोगों को धरना देना पड़ रहा है, तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, नहीं तो कहा है कि वो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और कार्रवाई करवाएंगे अधिकारियों पर। जी ऋतु, बिल्कुल ब्रजेश जी,
क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ प्रशासन कदम उठाता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो प्रशासन को चेतावनी दी है और साथ ही साथ पूर्व गृह मंत्री का कहना है कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं भेज दूंगा। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि विधायक कांग्रेस का है लेकिन सरकार बीजेपी की है, और जब इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है बीजेपी की तरफ से किसी भी ओर से तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। अब इस मामले पर क्या कुछ कांग्रेस प्रतिक्रिया देती है ये आगे देखना होगा।